हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप घर बैठे अपने जियो नंबर को कैसे बंद कर सकते हो या अपने जियो नंबर को ब्लॉक कैसे कर सकते हो। देखिए, ब्लॉक करने या बंद करने का रीज़न कोई भी हो सकता है, या आपका फ़ोन चोरी हो गया है, या आपके पॉकेट से आपका सिम गिर गया, कोई भी रीज़न हो सकता है जिस कारण आप सिम बंद कराना चाहते हो। तो इस वीडियो को कम्प्लीट पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जियो का सिम घर बैठे ही बंद कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउज़र ओपन करोगे तो यहाँ पर सर्च करना है जियो लॉस्ट सिम। जैसे आप जियो लॉस्ट सिम सर्च करोगे, आपको टॉप पर ही जियो का एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी टॉप वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टॉप वाली वेबसाइट पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप इसको क्रोम पर कोई भी ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप अपना जियो का नंबर डालें जिसको आप बंद कराना चाहते हो या जो आपका लॉस नंबर है। मैं यहाँ पे अपना जियो का नंबर डाल देता हूँ और प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको कैटेगरी पे चॉइस करना है। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और अल्टरनेट मोबाइल नंबर से बंद करा सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपने लेते समय अल्टरनेट नंबर कौन सा लगाया था, तो आप डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन चॉइस करके भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर का पता कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं यहां पर सबमिट करता हूं, यहां पर हमारे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने सिम को बंद नहीं करा सकते हो। आप जियो का सिम क्या कोई सा भी सिम बंद नहीं करा सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, तो मैं जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट OTP पर क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे नंबर पर OTP आ गया और यहाँ पर हमने अपना OTP डाल दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना OTP डाला और यहाँ आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रीजन। चलिए आप रीजन पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप रीजन पे सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आपको सिम डिवाइस लॉस पर क्लिक करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करके जब आप सबमिट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, अगर आप एस पर टिक कर देते हो तो आपका सिम 15 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। चलिए मैं एस पर टिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एस पर टिक किया, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हैज़ बीन सक्सेसफुली, हमारा जो नंबर है वो अब बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सिम का एक नंबर आ जाएगा, आपको सिम बंद का एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको ओके पर प्रेस करना है। जैसे आप ओके पर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस, आपका नंबर 15 मिनट में बंद हो जाएगा। आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।